जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने जो है सीरीज 15 पढ़ लिया था, आज हम लोग सीरीज 16 पढ़ने चल रहे हैं। तो जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान ma व mb हैं, a व b ऊंचाइयों से गिराए जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ें। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस ma एंड mb आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स a एंड b। ठीक है, इन दूरियों को तय करने में लिए गए समयों का अनुपात बताना है। तो देखो, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से ड्रॉप किया जाता है, मान लो h हाइट से ड्रॉप किया जाता है, तो प्रारंभिक वेग उसका होता है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो वस्तु को जो है ग्राउंड तक पहुंचने में जो समय लगता है उसका फॉर्मूला याद रखें, टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी होता है। इसका मतलब मास पर तो डिपेंड करता नहीं है, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। ठीक है, पहला वस्तु जो है वो ए हाइट से ड्रॉप किया जा रहा, दूसरा वस्तु जो है बी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा, इसलिए जो टाइम टी वन अपान टी टू हो जाएगा अंडर रूट एच वन अपान अंडर रूट एच टू, एच वन की जगह ए हो जाएगा, एच टू की जगह बी हो जाएगा। अंडर रूट ए अपान बी अनुपात क्या होगा, अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू, सेंटर ऑफ मास का सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, पहले की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है, सेम डायरेक्शन में गतिमान है। ठीक है, उनके द्रव्यमान केंद्र का वेग बताना है। तो vcm वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फार्मूला हम आपको लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो सूत्र होता है vcm बराबर होता है m1 u1 प्लस m2 u2, m2 u2 अपान होता है m1 प्लस m2। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन की बात किया गया है कि वेक्टर यूज करें या वेक्टर ना यूज करें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं m1 u1 vcm क्या आएगा। m1 u1, m1 का मतलब 2 इंटू u1, u1 मतलब 2, 2 इंटू 2 प्लस m2 मतलब 4 और u2 का मतलब 10 अपान m1 प्लस m2, 2 प्लस 4 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 अपान 6 44 बटे 6 जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी 44 बटे 6 आ जाएगी, 2 से काट दीजिए तो 22 होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 × 7 = 21 और 1 × 22 = 3 × 3 = 9, 7.3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक वस्तु है वो 5 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण से गतिमान है और गति विराम से, यहाँ विराम नहीं लिखा है, एक वस्तु से गति प्रारंभ, यहाँ विराम लिखना है, एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ करके, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पूछा गया 10 सेकेंड के अंत में टी बराबर 10 सेकेंड दिया गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, वी बराबर यू प्लस एटी होता है, तो यू का मान जीरो क्योंकि बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यू बराबर जीरो हो जाएगा। ए का मान कितना है 5। ठीक है, और टी का मान कितना है 10, 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, इसका मतलब 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर है, अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस एंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी द बॉडी इज। एक वस्तु क्षैतिज सतह पर बिना फिसले लुढ़क रही है, इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ये दोनों बराबर है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, आई ओमेगा स्क्वायर बराबर एम वी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर किसका होता है रिंग का। ठीक है, रिंग का होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वस्तु के बारे में पूछा गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल रिजिड बॉडीज
दो गोलीय दृढ़ वस्तुओं के बीच अप्रत्याश संघट। ध्यान रखें जो है इन इलास्टिक कोलिजन में, कोलिजन दो तरीके का होता है, संघट दो प्रकार का होता है, एक इलास्टिक होता है प्रत्यास्थ होता है और एक होता इन इलास्टिक होता अप्रत्यास्थ होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ें कंजर्व रहती हैं, एक लीनियर मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में दोनों चीज़ें संरक्षित रहती, रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता, केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, गतिज ऊर्जा कंजर्व नहीं होती है, कंजर्व नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब कोई भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनइलास्टिक कोलिजन, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द टॉर्क ऑफ ए बॉडी जीरो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि एक वस्तु का बलाघूर्ण शून्य है तो कोणीय संवेग पूछा गया है। टाउ इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपान डेल्टा टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होता है। अगर टॉर्क किसी भी रोटेटिंग बॉडी पर, अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगता है, अगर टाउ का मान जीरो होता है तो टाउ का मान जीरो होता तो एल जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। एल कॉन्स्टेंट होता है, एल बराबर क्या होता है आई ओमेगा, आई ओमेगा क्या होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आई ओमेगा कॉन्स्टेंट रहता है, ध्यान रखना कोणीय संवेग कॉन्स्टेंट रहता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। वेक्टर कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट होगा और डायरेक्शन भी। अगर एल कॉन्स्टेंट है, एल नियत है, तो ये परिमाण में भी नियत होता है, परिमाण में भी, मैग्नीट्यूड में भी कॉन्स्टेंट रहता है, परिमाण में भी और दिशा में भी, डायरेक्शन में भी कॉन्स्टेंट रहता है, दोनों में। तो देखिए ऑप्शन क्या है, परिमाण में अचर कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजिंग इन डायरेक्शन, ये गलत लिखा हुआ है, चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड बट कॉन्स्टेंट इन डायरेक्शन, ये भी गलत लिखा हुआ, कॉन्स्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए लिखा है अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू दिया गया है, यू इज इक्वल टू दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, जी का मान दिया गया है और रेंज पूछा गया है, तो 45 पर क्या होता है मैक्सिमम रेंज होता है, आर मैक्स होता है यू स्क्वेयर अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। यू स्क्वेयर अपॉन जी, यू स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर 400, अपान जी का मान 10 रख दो, 10 से कट जाएगा 40, इसका मतलब 40 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बलाघूर्ण का विमीय सूत्र, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू होता बल गुणे दूरी, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू होता है, दूरी का एल होता है, एल इंटू एल एल टू हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पर कोई भी मान लो किताब रखी हुई है, अब बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, एक किताब बेंच पर रखी हुई है, तो इसका वेट एम जी नीचे काम करेगा, इसको बोलते हैं क्रिया बल, एक्शन फोर्स, ये वेट है, ये क्रिया है, एक क्रिया फोर्स है, ये जो मेज है वो किताब पर एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो पूछा गया मेज द्वारा किताब पर क्रियाबल, ये जो क्रियाबल है एम जी, और जो है मेज द्वारा किताब पर प्रतिक्रिया बल के बीच का कोण, ये दोनों वेक्टर अपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है, अपोजिट है, इनके बीच का कोण कितना होगा 180° हो जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, पूछा गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन तो 0 होता है, और जनरल कोई कोलिजन होता है तो ई का मान 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बीच के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है इस समय, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिक्स के होंगे पहले 1-2 दिन में हम मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों को।